दोस्तों आज हम अपने चैनल पर कुछ टर्म जो कि सेल साइज के एबनॉर्मलिटी को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू। ये टर्म है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नर में नॉर्मल सेल दिख रहा है आपको, अगर इसका साइज डिक्रीज हो जाए तो उसे हम एट्रोपी कहते हैं, जो आप नॉर्मल के बगल में देख सकते हैं। नॉर्मल के ठीक नीचे हाइपरट्रॉफी दिखाया गया, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा कि इस ये जो सेल बने हुए हैं ये नॉर्मल सेल से कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इंक्रीज्ड सेल साइज है तो हाइपरट्रॉफी कहा जाता है उसे। हाइपरप्लेसिया, जैसे कि आप नॉर्मल सेल देख सकते हैं वो सिर्फ एक सीरीज है, लेकिन हाइपरप्लेसिया में सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। तो इंक्रीज्ड सेल नंबर हो या सेल के नंबर अपने आप बढ़ने लगे तो उसे हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। मेटाप्लेसिया, पहले आप नॉर्मल सेल देखें और फिर मेटाप्लेसिया का सेल देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेल सही है और कुछ सेल खराब है या छोटे हो गए, तो उसे हम मेटाप्लेसिया कहते हैं। मेटाप्लेसिया मतलब कन्वर्सन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर। डिस्प्लेसिया, आप नॉर्मल सेल देखें और फिर डिस्प्लेसिया वाला डायग्राम देखें तो आपको कुछ एबनॉर्मली ग्रोथ या डिसऑर्डरली ग्रोथ दिखाई देगी। तो डिसऑर्डरली ग्रोथ को हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज द बायोलॉजी वर्ल्ड को लाइक एंड फॉलो करें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मैं शायद वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ। धन्यवाद।